जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा ये आवाज़ आ रही थी इसमें कट कट हुई, और जो यहाँ से लेकर आ रहे थे ना खड्डे से तो आवाज़ आ रही थी। मैं सोचा कुछ ऐसे ये गार्ड वगैरह ये सैडल वगैरह लग रहा होगा, बट एक्चुअल में सीन ये कंपनी डिफॉल्ट आया है। ये जो हिस्सा है ये सारी गार्ड जो है ये लग रहा है इस पर स्विंग आर्म, मतलब रियर्स पॉकेट के बोल्ट जो है उस पर लग रहा है ये। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज स्माइल एंड यू वाचिंग मिस्टर चेक व्लॉग्स। तो आज हमारे साथ है राकेश भाई, और राकेश भाई के पास एक खूबसूरत सी मशीन है जो फुल्ली लोडेड हो चुकी है। अभी दिखाता हूँ मैं उसको क्या क्या उसमें सारी चीज़ें लगाई और कहाँ से लगाई, वो मैं भाई बता देंगे खुद ही। और जो चीज़ है ना, ये गाड़ी का लुक एकदम डबल कर दिया, डबल मतलब लग रही नहीं है वो गाड़ी है, प्रॉपर एडवेंचर लग रही है अभी। सो दिखाते हैं आपको एक्स, तो दिखाते आपको 200X होंडा। बताएंगे भाई, राकेश भाई तो कैसा ऑर्डर किया आपने? ये मैंने तो बैड ओवर बैक से साइड से अच्छा था, बैक किया था ये, और मुझे इंस्टाग्राम में इसका ये अकाउंट है वहाँ पर मैंने मैसेज किया था, वहाँ से ऑर्डर किया। ये अपना द रोलिंग पिस्टन में? हाँ अच्छा बरोबर वहाँ से। हाँ तो अपने दोस्त थे भाई वो तो रोलिंग पिस्टन वाले, जो आपको मेरे सारे सामान पता ही होगा वहाँ से मंगाए। तो ये जो है मैड ओवर का स्पेशली बनाया है 200X होंडा के लिए। एज यू कैन सी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है यार, मतलब जो चीज़ देना चाहिए उसमें दिया है। जैसे कि ये लॉक नट्स कंपलसरी है, गार्ड और ये सब सैडल स्टे में, बिकॉज ये सारा चीज़ है ना कभी कभार वाइब्रेशन से लूज़ होके निकल जाता है, तो ये लॉक नट्स ज़रूरी है। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। इधर पर इसका जो एरिया है अपना टॉप रैक का बहुत बड़ा है, इसके ऊपर अपन टॉप बॉक्स इजीली बिठा सकते हैं। और इसमें अपने को कंफर्ट सीट भी मिल रहा है, बैक रेस्ट पकड़ने के लिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो पकड़ने के लिए हाँ एकदम सॉलिड ग्रिप दे दिया इसमें। ऑल दो ये गाड़ी जो है 200XCV ये भी सुपर है, बट थोड़ा सा शिकायत है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 150X इससे अच्छी है। ये रहा इसका स्विच, इसमें दिया है पार्किंग का हैजार्ड सिस्टम, इंजन किल स्विच स्टार्ट, और इस तरफ है पास लाइट अपर डिपर, ये अपना सिग्नल और हॉर्न। सो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल यहाँ पर है, और इसमें दो बटन है, बाकी LED है, और ये सारी चीज़ें ABS वगैरह का साइन। ये ऑन करते हैं अपन, ये देख सकते हो फ्यूल का दिखा रहा है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर टाइमिंग है, और गियर इंडिकेटर दिखा रहा है, और रेंज जो है रेव लिमिट का 9,000 RPM तक है। ये साइड किलोमीटर जो आप चल रहे हैं वो दिखाएगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल करके। सो इसमें है सिंगल चैनल ABS, सो ओनली फ्रंट डिस्क विल वर्क, इंजन स्विच। वाओ स्मूथ, बहुत ही स्मूथ है इसका इंजन, इतना स्मूथ, इतना फ्लूएंट। थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट देखते हैं इसका, एग्जॉस्ट नोट कैसा है। सो एग्जॉस्ट नोट भी बहुत प्यारा साउंड है। चलते हैं थोड़ा उधर पीछे बैठो। अरे मेरे डबल सेंचुरी यार। तो भाई फर्स्ट टाइम होंडा सिटी 200X को चला रहा हूँ मैं। वाह अभी नई गाड़ी है इसलिए ज्यादा भगाएंगे नहीं हम, क्योंकि इसका अभी ब्रेकिंग पीरियड चल रहा है। थोड़ा सा ये खराब रास्ता ये वाला, अपन इधर लेके जाते हैं। इसका सस्पेंशन जो है डबल सीट पे ट्राई करते हैं कैसा है, पीछे वाले तो भाई बता देंगे हमको कैसा फील हुआ, बाकी मैं आगे से बता दूंगा। थोड़ा हार्ड चलेंगे। अरे
भाई गंदी हो जाएगी गाड़ी, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा, लेकर आवाज़ क्या आ रहा है? ये पीछे जो गार्ड है ना वो जो थोड़ा बेंड है, तो अंदर जो टायर का जो सेंटर ये रहता है ना चेसी वाला, वो उसमें ऊपर गार्ड लग रहा है। तो हम लोग अभी आए हैं ये बैक रोड पे छोटा सा सिनेमेटिक वीडियो लेने के लिए। बहुत ही कमाल की गाड़ी है, मतलब जो कम्फर्टनेस है ना इसमें बहुत सुपर है। इतना अच्छा कम्फर्ट मैंने अभी तक देखा नहीं, मतलब ऐसा स्टॉक गाड़ियों में आए इतनी छोटी मतलब कैटेगरी में 200 SCC सब में। एक्सपल्स मैंने चलाया है पर एक्सपल्स की बात अलग है, इसकी बात अलग है। और रही बात इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो 200X की है, बट सॉरी हॉर्नेट 200 का पूरा ये चेसी है और फॉग वगैरह है, बाकी जो डिज़ाइन है वो 650 जो है होंडा CB कौन सी थी यार वो मैं भूल गया, 500X सॉरी 500X, तो होंडा 500X जो है उसका इसमें लुक दिया गया है। एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसका प्राइस क्या पड़ा आपको? इसका प्राइस 1,75,000 में ये गाड़ी मिली है। बहुत ही प्यारी गाड़ी है भाई, मेरे हिसाब से अगर किसी को ऐसा एडवेंचर जैसा लुक चाहिए, इतना बड़ा है बल्कि लुक चाहिए, तो भाई ये गाड़ी प्रिफर कर सकता है। 200 CC है और MT जो है MT भी उतनी की पड़ती है, MT 15 है, ये 200 CC है। फ्यूल इकोनॉमी अब तक क्या पता, कुछ पता चला है? 45 के बीच में आपको फ्यूल इकोनॉमी भी मिल जाएगा, बाकी अभी तक हम लोगों ने इसमें इकोनॉमी निकाला नहीं है तो कुछ बता नहीं सकते, अपन कुछ और नहीं है। बाकी MT का मैं गारंटी दे सकता हूँ 45 से 50 तक मिलता है, 52 भी कभी कभार मिल जाता है MT का, मेरे को पता है सिटी में, हाईवे पे नहीं सिटी में। ओके सो अभी इसका एक छोटा सा शूट लेते, बहुत प्यारी लग रही गाड़ी यार। इसका सीट जो है थोड़ा हार्ड है पर स्टिफ, मतलब आप लॉन्ग रूट पर जाकर थोड़ा दर्द देगा, इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस ऐड करना पड़ेगा, बाकी कंफर्ट वाइज सीट बेस्ट है। आगे की आप पीछे की राकेश भाई को मान लो, पीछे पे बैठा नहीं, बैठूंगा तो बता दूंगा। पीछे का भी ठीक है, 50 किलोमीटर तक ठीक है, उसके आगे नहीं बैठ सकते आप। तो पिलियंस के लिए ये एक छोटा सा इसमें पैर का, ये सेम MT में भी ऐसे आता है। और ये फ्रंट के लिए ये डबल स्टैंड है, सेंटर स्टैंड इसको बोलते हैं, तो सेंटर स्टैंड इसमें दिया गया है, बहुत ही काम में आता है अगर आप ट्रैवल करते हो टूर करते हो तो। मेरे को पूछो, मेरे दोनों गाड़ी में सेंटर, तीनों गाड़ी में सेंटर स्टैंड नहीं है, ना MT में ना KTM ना डोमिनार। सो इसमें है, थोड़ा काम में आता है लगेज वगैरह लोड करने के टाइम पे। बाकी ये जो है बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा ये लैग हो रहा है, इस पर थोड़ा तकलीफ हो रहा है कभी, अगर गिर के इस पर लोड ना है, इस पर कुछ भी ना आना मिलता, बाकी गिर के इसको हो जाएगा चलेगा पर इसको कुछ नहीं होना मिलता, तो ये दिक्कत आ रही है ये, क्योंकि इधर गिरेगा इधर कुछ होने वाला है नहीं, मेन चीज़ इस पर ही है। इसका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये इंडिकेटर इसके नकल गार्ड में दिया गया है, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो आगे LED इंडिकेटर्स है दोनों नकल गार्ड में, और दोनों पूरी हेडलाइट LED है, ज़बरदस्त हेडलाइट है, क्या अपीलिंग लुक आ रहा है इसका। और जो गार्ड जो बना है वो मैड ओवर बाइक्स का है, सुपर ऑलवेज वेल नोन ब्रांड है ये भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपने को, टेंशन नहीं है। इंजन जो है 200 CC हॉर्नेट प्रेफर्ड, ऑयल एयर कूल्ड है ना, ये भी एयर कूल्ड इंजन है। देखो भाई कुछ रिसर्च करके नहीं आया हूँ मैं, जैसा आया जिसी ले लिया, क्योंकि भाई ने अर्जेंट में बुलाया, मैं भी घाई में था, हम लोग भाग के आए, अभी लगाया इन्होंने। सो रियर इंडिकेटर भी देख सकते हो, LED हॉर्नेट का बैजिंग, टेल लाइट सेम हॉर्नेट की ऐसी है, और पीछे रियर डिस्क है सुपर निसिन का, आगे भी फ्रंट सेम निसिन विद ABS, अपसाइड डाउन फॉक है, ये देखो अपसाइड डाउन फॉक लिखा है, और ये यहाँ तक तो अभी तक हम लोग ने लेकर गया है इसको, अच्छा खासा ट्रैवल है इसमें, ट्रैवल भी ठीक ठाक है, एक स्ट्रीट प्लस ऑफ रोड, मतलब अगर कभी आपको शॉर्टकट मारना है तो आप मार सकते हो खड्डे खुड्डे रास्ते से, क्या लग रही है यार गाड़ी ह्यूज। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा ये आवाज़ आ रही थी इसमें कट कट हुई, जो यहाँ से लेकर आ रहे थे ना खड्डे से तो आवाज़ आ रही थी, मैं सोचा कुछ ऐसे ये गार्ड वगैरह ये सैडल वगैरह लग रहा होगा, बट एक्चुअल में सीन है ये कंपनी डिफॉल्ट आया है, ये जो हिस्सा है ये सारी गार्ड जो है ये लग रहा है इस पर स्विंग आर्म, मतलब ये रियर पॉकेट के बोल्ट जो है उस पर लग रहा है, ये रियर व्हील के बोल्ट पे। यहाँ पे आप जूम करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो स्क्रैच दिख रहा होगा आपको, बहुत डेंजर होता है भाई ये सब चीज़ें, तो गाड़ी लेने से पहले गौर से देखना ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर,
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ऐसे वीडियो की जरूरत है तो बताना। बाय बाय, टेक केयर।